पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर के पाक का हिस्सा बनने वाले बयान पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर को पाने का सपना कयामत तक नहीं पूरा होगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान अपने खतरनाक आतंकवादियों और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अघोषित संपत्ति रखने वालों से कहा है कि आय घोषणा योजना का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष 30 सितंबर से पहले अपना हिसाब किताब साफ कर लेना चाहिए। नई दिल्ली में कल उद्योगपतियों के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारियों और सरकार के भय से जीने से ये बेहतर विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साउथ ब्लॉक से रिलायंस फाउंडेशन युवा खेल आयोजन में शामिल हो रहे छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। देश भर में 8 शहरों से खेल में शामिल हो रहे युवा खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल जीवन के लिए जरूरी है। पीएम ने कहा कि भारत जैसे एक बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए खेल राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में सहायक हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल बेंगलुरु में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को कर चोरी करने वाले समाज के बजाय कर देने वाले समाज बनना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार को पता है कि किन क्षेत्रों में काला धन पैदा होता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के 2 दिन के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात कर प्रदेश में ताज़ा स्थिति का जायजा लिया। अपने दौरे में गृह मंत्री श्रीनगर में विभिन्न प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से बातचीत करेंगे। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 को ढूंढने के लिए जारी अभियान की निगरानी खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कर रहे हैं। समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल चेन्नई में अधिकारियों से खोजी अभियान की जानकारी ली। समुद्र में एक पनडुब्बी को भी दुर्घटनाग्रस्त विमान की तलाश में लगाया गया है। शुक्रवार सुबह चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाते हुए ये विमान लापता हो गया था। इसमें 29 लोग सवार थे। भाजपा से निष्कासित नेता दयाशंकर के परिवार जनों पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ बीजेपी ने कल उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बसपा नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इस तरह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। संसद के मानसून सत्र में GST बिल पारित कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस समेत सभी पार्टियों से इस मामले में बात करके सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को नई दिल्ली में राज्यों के साथ स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। गुजरात, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों ने इस मौके पर अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। कल चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की नींव रखी गई। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भी मौजूद थीं। वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत वैश्विक पटल पर एक उभरता हुआ देश है और तमिलनाडु भारत के अंदर एक बढ़ता हुआ राज्य है, जहां मेट्रो परियोजना के शुभारंभ से सभी को लाभ मिलेगा। केरल से IS में शामिल होने के लिए भागे हुए लोगों के मामले में एक और लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिजवान नाम के इस लड़के को महाराष्ट्र ATS और केरल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हजारा शियाओं के एक विशाल प्रदर्शन के दौरान कल हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई और 231 अन्य घायल हो गए। आतंकी संगठन IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। धमाके उस वक्त हुए जब बड़ी संख्या में लोग करोड़ों डॉलर की लागत से बिछाई जा रही बिजली की लाइन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पोलैंड के बायगोज में चल रही IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस तरह वे भारत के पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। अगले महीने ब्राजील में होने वाले ओलंपिक से पहले देश में खेलों को लेकर उत्साह पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को इंडिया गेट पर रन फॉर रियो आयोजन को हरी झंडी दिखाएंगे। खेल मंत्री विजय गोयल ने इस बात की जानकारी दी। एंटीगा के मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया शानदार स्थिति में पहुंच गई है। खेल के तीसरे दिन टीम इंडिया के 8 विकेट नुकसान पर 567 रन के स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 243 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 302 रनों की जरूरत है।